कमर से आगे को झुकेंगे, हाथों को जमीन तक ले आएंगे, जिनके नहीं आते तो हाथों को सीधा भी रख सकते हैं। अब एक पांव उठा के पूरा पीछे तक ले जाएंगे और घुटना जमीन में लगा देंगे और चेस्ट को सामने देखते हुए। अब अगली पोस्चर में दूसरे पांव को भी पीछे पहले पांव के साथ में रख के और सामने। अब इसके बाद चौथे में पहले घुटने जमीन में रखेंगे, फिर माथा और छाती चेस्ट ये जमीन में आएंगे। इसके बाद पूरा फ्लैट जमीन पर और अब हाफ कोबरा ये, और फिर जितना आप ऊपर तक आ सकते हो, पैर उसी पोजीशन में रहते हैं, हाथ वहीं रहते हैं, हाथ और पैर आगे पीछे नहीं जाएंगे। अब पैरों को उंगलियों को जमीन में लाके और हाथ से उठ के और ऐसे पीछे को चले जाना है, जैसे पर्वत पर्वतासन। अब इसके बाद बॉडी वेट को हाथों में बैलेंस करते हुए एक पांव को आगे लाएंगे और घुटना दूसरे पांव का घुटना नीचे आएगा और इसका इस समय प्रेशर आपके लोअर बैक पर रहता है। अब फिर घुटने को उठा के दूसरे पांव को भी आगे ले आएंगे पहले पांव के बीच में और सर को जितना जा सकता है घुटने के पास तक, और फिर अब यहाँ से धीरे धीरे ऊपर को जाएंगे जितना पीछे तक जा सकते हैं और फिर सामने आगे। तो ये 12 पोस्चर्स हैं सूर्य नमस्कार की और ये सबसे बढ़िया आसन है क्योंकि इसमें पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। प्रेयर पोजिशन आइए, हाथों पर स्ट्रेच करिए, अब धीरे धीरे बेंड करिए, स्ट्रेच एंड बेंड डाउन, गो डाउन 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 डाउन, टेक योर राइट लेग बैक, सीधा पैर पीछे ले जाइए जितना आप आराम से ले जा सकते हैं। आप नी को नीचे रख सकते हैं या ऊपर भी रख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब आप चाइल्ड पोज में आ जाइए, दूसरे पैर को ले जाइए चाइल्ड पोज में आ जाइए, या तो उसमें डॉग में भी आ सकते हैं। चाइल्ड पोज से धीरे धीरे नीचे आइए और हाफ कोबरा में आइए, आराम से हाफ कोबरा में आ जाइए। पूरा आने की जरूरत नहीं है, जो पूरा आ सकते हैं वो ठीक है, कोई बात नहीं। टोज को अंदर करिए, या तो चाइल्ड पोज में चले जाइए या फिर डॉग में आ जाइए, पर्वत आसन जो जिसके करते हैं, ठीक है। अब दूसरा पैर आगे लेकर आइए, नी अगर आप नीचे रख सकते हैं ठीक है, नहीं तो ऊपर भी रख सकते हैं। अब धीरे से नी को उठाइए और दूसरा पैर सामने लाइए और हाथ ऊपर लाइए, स्ट्रेच करिए और धीरे से हाथों को अपने बगल में लाइए। अब यही सीक्वेंस हम दूसरी तरफ रिपीट करते हैं, पाम्स टुगेदर, स्ट्रेच, टेक योर हैंड्स अप, स्ट्रेच बैक, बेंड फॉरवर्ड, गो डाउन, टेक योर लेफ्ट लेग बैक, नी डाउन, चिन अप, नी अप, बोथ लेग्स बैक, और कम द चाइल्ड पोज, कम डाउन, फोरहेड बॉडी डाउन, ग्लाइड इनटू हाफ कोबरा, हाफ कोबरा में आ जाइए, टोज इन, पुश अप इन द डॉग पोजिशन या कोबरा में आ जाइए, ब्रिंग योर लेफ्ट फुट फॉरवर्ड, bring the right foot forward, come up, stretch back, and bring your hands down. थोड़ा ये मुश्किल है, अभी भी आप लोग को टाइम लगेगा इसको सीखने में, इसके सीक्वेंस सीखने में थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा मैं आपको और सिखा दूँ, मैं आपको दूसरा सिखा देती हूँ, वो काफ़ी लोगों को थोड़ी हेल्पफुल होगी। ये बेसिकली मैं नी एक्सरसाइज सिखा देती हूँ आप लोग को, आप लोग जमीन में ले जाइए, ये 90% लोगों के लिए यहाँ पर हेल्पफुल होगी। जमीन में ले जाइए आप पीठ के बल, दोनों पैरों को मिला के रखिए, दोनों पैरों को मिला के रखिए, टोज अप, आपके जो टोज हैं वो ऊपर की तरफ पॉइंट होने चाहिए, हाथ आपके बगल में है, हैंड्स ऑन द फ्लोर, आप हाथ आपकी बॉडी के पास ऑन द फ्लोर, चिन आपके ऊपर है। अब ब्रीथ इन, इनहेल करके राइट लेग ऊपर ले जाइए, इनहेल, लिफ्ट योर राइट लेग अप,
यहाँ पर होल्ड करिए टू द काउंट ऑफ 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्लोली ब्रीथ आउट ब्रिंग इट डाउन जितना आप ले जा सकते स्लोली स्लोली Inhale, take the left leg up as much as you can. Hold it here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Breathe out, leg down again. Inhale, right leg up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Exhale, leg down slowly, nice and slow. Left, inhale up. Hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Leg down. ये बेसिकली एक एक्सरसाइज है जिनको नी की घुटने की प्रॉब्लम है ये हम बेसिकली फिजियोथेरेपी में सिखाते हैं इससे आपकी थाई मसल स्ट्रांग होती है और कई जगह हम योगा में भी यूज करते हैं अब आप लोग राइट नी को बेंड करिए राइट घुटने को बेंड करिए अगर आप नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा ही करिए अपनी चेस्ट के तरफ ले जाइए जितना आप ले जा सकते हैं या तो अपनी नी को होल्ड करिए या थाई को भी होल्ड कर सकते हैं उसको झटके से मत करिएगा जिसको नी की प्रॉब्लम है उसको झटके से नहीं करना है जो दूसरा पैर है वो सीधे आपकी चिन स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी बॉडी क्रिस्प नहीं होनी चाहिए आपकी जो हाथ है या तो नी को होल्ड करी है या थाई को होल्ड करी है और अपनी ब्रीदिंग को थोड़ा स्लो करिए योगा में यूजुअली हर पोजीशन को होल्ड करते हैं कुछ सेकंड्स के लिए शुरू में आप थोड़ी देर के लिए करिए आप हाथ को नीचे ड्रॉप करिए और फिर धीरे से अपने लेग को स्ट्रेच कर लीजिए अब उसी तरह आप लेफ्ट नी को बेंड करिए जितना कर सकते हैं नी की प्रॉब्लम है ध्यान रखिएगा हाथ या तो नी के ऊपर या थाई के ऊपर धीरे से थाई को अपनी बॉडी के पास लाइए ब्रीदिंग स्लो होनी चाहिए जब भी आपकी आपका स्टमक आपका एब्डोमिन थाई या ग्राउंड या बॉडी के किसी भी पार्ट से प्रेस करता है तो ब्रीदिंग ऑटोमेटिक से स्लो हो जानी चाहिए मैं आपको अभी सर्वांग आसन हलासन वगैरह कुछ नहीं सिखाऊंगी वो थोड़े एडवांस पोजीशन है यहाँ से आप पेट के बल ले जाइए पेट के बल किसी भी जगह कोई भी जगह आप फेस कर सकते हैं अब आप अपने पैरों को थोड़ा सा खोल लें अपने हाथों को एक के ऊपर एक रख के पिलो बनाएं एक हाथ दूसरे के ऊपर एक पिलो जैसे होती है तकिया बनाएं अपना राइट चीक राइट गाल उस पिलो में रखें राइट चीक ऑन द पिलो क्लोज योर आइज जब हम पेट के बल आसन करते हैं तो हम इस तरह से रिलैक्स करते हैं अगेन ब्रीदिंग इज डीप एंड स्लो अब मैं जल्दी स्विच करती हूँ पैरों को मिला लीजिए अपने हाथ को भुजंग आसन की पोजीशन में ले लाइए हाथ आपके बहुत आगे नहीं होने चाहिए और बहुत पीछे भी नहीं होने चाहिए आपकी जो एल्बोज हैं वो बॉडी के क्लोज होने चाहिए बाहर नहीं निकलने चाहिए आपका फोरहेड जो माथा है वो अंदर रोल करिए अगर आप अपने टोज़ को बाहर रख सकते हैं तो ठीक है नहीं तो अंदर भी कर सकते हैं कईयों को काफ की प्रॉब्लम है वो टोज़ को अंदर कर लें अब यहाँ से धीरे धीरे हाफ कोबरा में आइए धीरे से फोरहेड चिन लिटिल बिट नॉट विद अ जर्क कोई बात नहीं दैट्स गुड नाउ स्लोली नीचे आइए स्टमक चेस्ट चिन फोरहेड अब चिन को बाहर निकाल लीजिए और अपने हाथों को अपने दोनों पैर के नीचे ले जाइए सलभ आसन हाथों को पैरों के नीचे
अगर आपको प्रॉब्लम है हाथ को पैर के नीचे ले जाने के लिए तो पास में भी रख सकते हैं. चेन आपकी ग्राउंड में है, टोज अंदर और बाहर जैसे आपको कन्वीनियंट होता है वैसे कर ले. शुरू में आप अपनी बॉडी की सहूलियत के हिसाब से करिए. जैसे जैसे आपकी बॉडी खुलेगी आप अपनी पोजिशन चेंज कर सकते हैं. आप धीरे से राइट लेग उठाइए, ब्रीथ इन, राइट लेग अप, धीरे से जितना आप ले जा सकते हैं. जब आप ये करते हैं यू हैव टू मेक श्योर दैट योर हिप डजंट ट्विस्ट, योर नी डजंट बेंड. एक्सहेल, ब्रिंग इट डाउन, इनहेल, लेफ्ट लेग अप. जितना आप आराम से ले जाते हैं, आपको एकदम से शूट नहीं करना है, धीरे से आराम से ले जाइए. एक्सहेल, ब्रिंग इट डाउन, एक बार और इनहेल, राइट लेग अप. जितना आप आराम से ले आ सकते हैं. एक्सहेल डाउन, ब्रीथ इन, लेफ्ट वन अप, ब्रीथ आउट डाउन. ये वैसे हम तीन बार करते हैं, मैं अभी दो ही बार कर रही हूँ. अब हम दोनों पैरों को ले जाएंगे. अब अपने हाथ से थोड़ा पुश करके ब्रीथ इन, लिफ्ट बोथ योर लेग्स अप. नीज नहीं बेंड होनी चाहिए, कोशिश करिए आपकी नीज ना बेंड हो. एक्सहेल, ब्रिंग द लेग्स डाउन. हाथ निकाल लीजिए, पिलो बनाइए अपने हाथ से. मेक द पिलो विद योर आर्म्स, पैर अलग. रेस्ट द लेफ्ट चीक ऑन द पिलो, लेफ्ट चीक ऑन द पिलो. क्लोज योर आइज एंड स्लो डाउन योर ब्रीदिंग. Now, I'll show you the three, you can do it in different ways. उन्होंने तो आपको एडवांस दिखाया. If you're unable to keep it here, just bend the knee and do this much and keep the hands. So do this much first. अपने वेट को लेफ्ट पैर में शिफ्ट करिए and just lift your knee up. अब धीरे से अपने हाथों को ऊपर स्ट्रेच करिए. कीप लुकिंग फ्रंट. अपनी आपका कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है. दिस इज व्हाट टीचर्स यू इन योगा, कंसंट्रेशन. गुड. धीरे से हाथ को ले आइए नीचे, पैर को नीचे ले आइए. नाउ रिपीट द सेम थिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी. यू कैन आइदर डू दिस वे, दोज हू कैन डू विद द हैंड्स अप, और यू कैन जस्ट बेंड द नी एंड लिफ्ट द फुट अप. बैलेंस योर सेल्फ ऑन द राइट फुट. When you feel balanced, then only stretch your leg up. So the hands up. Good. Again, you're holding it for a few seconds. आप गिरेंगे, आप ऐसा मत करिए, please. आप please नहीं करिए. Okay, hands down. अब आप शवासन ले जाइए. A quick शवासन and then I'm done. नीचे ले जाइए. Legs feet apart, hands along the side of your body, eyes are closed. मुझे हिंदी में नहीं आती है. Okay, now just focus your mind on your breathing. Just slow down your breathing.